أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादते रमजान। आज माशाल्लाह तीसरी सहरी है जी, आज तैयारियां शुरू, पता नहीं चला। हाँ, अभी हम इंतजार कर रहे थे कि रमजान ने आना है और आज तीसरी सहरी भी हो चुकी है, अब काउंट डाउन शुरू हो गया है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ, अभी तो स्टार्ट ही है। हो गया, नहीं नहीं कहाँ, तीसरी तो हो गई है ना। अच्छा तो हो गया। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि जो हमारा बचपन भी मुझे याद आता है रमजान से, जी जी, कि छोटे होते बचपन में उठने का बड़ा शौक था सहरी। हाँ, वो हम समझते थे ये कि पता नहीं बड़े क्या खाते हैं इस वक्त उठ के, हमें नहीं जगाते, तो हमें इसलिए बहुत हुआ करता था छुप छुप के रजाई में से और कंबल में से देखना। तो और बचपन की और बातें भी जी बड़ी याद आती है मुझे, तो मुझे तो ये आता है सहरी से कि वो सहरियाँ अब नहीं है जब हम, अम्मी दे देती थी
अम्मी दे देती थी कि जी बाल्टी और दूध और दही लेने जाना है, और रास्ते में अपने जो दुकानें खुली होती थी, होटल खुले होते थे, उन पे कवालियाँ चल रही हुआ करती थी। वक्त बदल गया जी, और अब सब कुछ ला के पहले से ही फ्रिज में रख दिया जाता है, और सहरी को बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। अब तो सिर्फ उठ के सहरी करते हैं और फिर नमाज पढ़ के सो जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे अभी भी उतने ही शौक से उठते हैं, और वो कहते हैं कि पता नहीं क्या। और आजकल ये है कि बच्चों की छुट्टियां भी हैं, वो भी थोड़ा सा रिलीफ है कि बच्चे आराम से उठ भी सकते हैं और फिर देर से उठते और बहुत सारे बड़े शहरों में तो अब बच्चे जो हैं वो सारी रात सोते ही नहीं है, सहरी करके फजर पढ़ के सोते हैं। हाँ। और फिर सारा दिन सोते रहते हैं, आराम से रोज़ा गुजारते हैं जी। सब बच्चों को भी मुबारक, और आज भी माशाल्लाह बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि आज किसी ना किसी बच्चे की, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कितने सौ बच्चों की, हज़ार बच्चों की आज पहली सहरी होगी जी, और वो अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखेंगे जी। अल्लाह मुबारक करे जी, उस घर में बरकतें नाजिल फरमाए जहाँ आज बच्चे भी पहली पहली सहरी करेंगे। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक जो है वो आपको बेगम साहिबा पता है क्या है? जी बिल्कुल पता है जी। इस्लाम में ख्वातीन के हकूक जी, इस पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ मेहमान होंगे जी प्रोफेसर तारिक एजाज साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, सदाकत अब्बासी साहब सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अलामा ज़हीर अब्बास कादरी साहब भी आलम दीन हैं हमारे साथ होंगे, और आले इमरान हैं जी, शायर अदीब और होस्ट हैं, ये भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ये भी है कि हमारे साथ दुर्रे शहवार तो साथ ही साथ हैं किचन में जी, 30 रोजे हमारे साथ हैं, और आज हमें बताएंगी कि आज की सहरी में, आज की तीसरी सहरी में वो हमें क्या खिला रही हैं जी। अच्छा, और कारी साहब ने तलावत की जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी कारी ज़िशान हैदर साहब ने, और अब वक्त हुआ है जी एक बहुत ही प्यारी आवाज़ में प्यारी सी नात सुनते हैं जी। दो भाई हैं, मुबशर इलियास और शम्स इलियास जी। भाई जी सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक नाती कलाम के चंद अशआर सुभान अल्लाह, बस उनकी रूहानी तवज्जुहात इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला उनका फैजान सलामत रखे जी। एक नूर का आलम हर साथ, एक नूर का आलम हर साथ है, जलवानुमा सुबहान अल्लाह। एक नूर का आलम हर साथ है, जलवानुमा सुबहान अल्लाह। रोजे की तजल्ली क्या कहना जी, रोजे की तजल्ली क्या कहना, गुंबद की फिजा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये शिवाय जूद है सबसे जुदा, ये शिवाय जूद है सबसे जुदा, ये शान करम है सबसे अलग, वो झोलियाँ भरते हैं सबकी, वो झोलियाँ भरते हैं सबकी, खुद दे के सदा सुबहान अल्लाह। वो झोलियाँ भरते हैं सबकी जी, वो झोलियाँ भरते हैं सबकी, खुद दे के सदा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुल्तान दो आलम की हस्ती, सुल्तान दो आलम की हस्ती, बेमिसल भी है लासानी भी, एक के
नजर सद लुत्फ करम एक नजर सद लुत्फ करम एक अदा सुबहान अल्लाह एक नजर सद लुत्फ करम एक नजर सद लुत्फ करम एक अदा सुबहान अल्लाह रोजे की तजल्ली क्या कहना रे चारों तरफ इस दुनिया में है चारों तरफ इस दुनिया में शोहरत इनकी चर्चा इनका बकरो उमर उस्मान अली बकरो उमर उस्मान अली उनके खुलाफा सुबहान अल्लाह बकरो उमर उस्मान अली जी बकरो उमर उस्मान अली उनके खुलाफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह वो जात नसीर इस दुनिया में वो जात नसीर इस दुनिया में बेमिसल कुछ ऐसी पाई गई हैरत से पुकार उठी सारी हैरत से पुकार उठी सारी मखलूक खुदा सुबहान अल्लाह हैरत से पुकार उठी सारी मखलूक खुदा सुबहान अल्लाह रोजे की तजल्ली क्या कहना सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह माशाल्लाह जी क्या जी, बात चलते हैं एक ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ मेहमान होंगे देखते रहिए सादते रमजान वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की ट्रांसमिशन सादते रमज़ान हमारे मेहमान आ चुके हैं जी जी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी प्रोफेसर तारिक एजाज साहब मजहबी स्कॉलर हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए शुक्रिया आपका उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा ज़हीर अब्बास कादरी साहब आलम दीन है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ आपका शुक्रिया आपके साथ मुलाकात इधर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद आले इमरान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जो कि शायर भी हैं अदीब भी हैं और मेज़बानी भी कर चुके हैं बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं हम अपने शो में बहुत और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अब्बासी साहब जिनका ताल्लुक सियासत से है अस्सलाम वालेकुम और तहरीक इंसाफ से है पीटीआई जी बहुत शुक्रिया आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया शो में आए अब हम आज हम बात करेंगे डेली हमारा कोई ना कोई टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं और आप जैसे मेहमान आते हैं उनसे हम भी सीखते हैं और ऑडियंस तक भी हमारे देखने वालों तक भी जाता है तो सीखने का मरहला तो हर वक्त रहता है तो ये प्रोग्राम करके हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारा सीखने को मिल रहा है अभी 3 दिन ही हुए हैं इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आज हम बात करेंगे जी इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं तो क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो हर रूप है उनका माँ भी है बेटी भी है बहन भी है बीवी भी है बहू भी है तो हर रूप है उसका तो इसके इस हवाले से बहुत सारे पूछना चाहते हैं सवालात कि क्या सवालात ज़हन में आते हैं जी जी अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया सूरत अन्निसा है 4th पारा फरमाया वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ अगर औरत को एक बीवी की सूरत में देखना चाहें
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو. حسن معاشرت یہ لفظ اپنے اندر بہت سارے معانی رکھتا ہے. جہاں حسن آ جائے اس کا معنی ہے ہر وہ چیز کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ سنوری ہوئی, سجی ہوئی, خوبصورتی کے انداز والی, یعنی بیوٹیفل, اس انداز سے زندگی آپ گزاریں کہ دیکھنے والا بھی کہے کہ یہ جوڑا بہت خوش ہے اور بہت اچھا ہے. اسے اندر سے بھی خوش ہونا چاہیے. اور اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میاں بیوی خوشحال زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے مثال بنے. نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے. اجازت ہوتا ہے کہ اجازت ہو گئی, عمل کر لیا تو ٹھیک. حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مبارک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ اظہار محبت بیان فرماتے ہیں. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, آپ نے پیالے میں پانی پیا, پانی پینے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جہاں سے پیا ہے وہاں نشانی لگاؤ. آقا علیہ السلام نے انگلی رکھ لی پیالے پر, وہ پیالہ خود پکڑ لیا. پکڑ کے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں سے پیا تھا وہیں لبہائے مبارکہ لگا کر آقا علیہ السلام نے خود پیا اور فرمایا, اے میرے صحابہ, بیوی کا یہ حق نہیں کہ تم اسے پاؤں کی جوتی سمجھو, بلکہ بیوی کا یہ حق ہے کہ اسے شوہر اور بیوی کا رشتے کے اندر برابری کا حق حاصل ہے. یہ دیکھو جیسا کہ میں اپنے عائشہ کو دے رہا ہوں. اسی طرح آج کی رات جو ہے, بلکہ آج کی جو سحری ہے, یہ حضرت سیدہ, چونکہ 3 رمضان المبارک ہے, حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن بھی شمار ہوتا ہے. پورے عالم اسلام یہ دن منا رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہ السلام کے نام سے. تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کی عادت مبارکہ یہ تھی ایز اے بیٹی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کندھوں پر ابو جہل جیسے جاہل لوگ وہ جھڑیاں بھی آ کے رکھ دیں تو آپ وہ ہٹاتی تھیں اور اپنے بابا جان کو ہمت دیتی تھیں, بابا جان آپ اکیلے نہیں, فاطمہ آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کی بیٹی بھی ہوں, آپ کا بیٹا بھی ہوں. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے حقوق میں جب بیٹی کا ذکر آتا ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دے دی تو گویا کہ جنت کا ٹکٹ دے دیا, جس کو بیٹی مل گئی تو گویا کہ صبح قیامت. آقا علیہ السلام نے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا, فرمایا یوں سمجھو یہ میں ہوں اور یہ بیٹی والا ہے. تو جس کو بیٹی ملی صبح قیامت لوگ میرے ساتھ ایسے ہوں گے, مگر بیٹی سے انتہائی محبت کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا. دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا. پروفیسر صاحب اسی بات کو آپ ذرا آگے بڑھائیں گے اپنے انداز سے. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام میں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. جب آپ کو روشنی کی قدر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اندھیرے کے اندر زندگی نہیں گزارتے. جو اندھیرے میں رہنے والا ہے اس کو روشنی کی قدر ہے, جو بیماری کی زندگی گزار چکا ہے اس کو صحت کی قدر ہے. تو اسی طرح سے جب ہم اسلام میں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسلام سے پہلے جو خواتین کے ساتھ اس معاشرے میں برتاؤ برتا جاتا تھا, جب ہم اس پہ نظر دوڑائیں گے اور اس کے بعد پھر جب ہم اسلام میں خواتین کے حقوق کی بات کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے میں ہم اللہ کے حضور میں شکر گزار بھی ہوں گے کہ اللہ کی ذات نے اور شریعت اسلامیہ نے اسلام نے خواتین کو وہ عزت اور مرتبہ اور مقام دیا کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ قطع خواتین کو حاصل نہیں تھا. کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں تو بہت کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وومن رائٹس کے اوپر اس وقت خواتین کے حقوق کی بہت بڑی تحریکیں اور آوازیں جو بلند ہوتی چلی جاتی ہیں, پہلے مغربی دنیا میں تھی, آج جو ہے وہ یہ ہمارے ملک پاکستان میں اور ہر جگہ جو ہو رہی ہیں. تو آج شاید یہ بات جو ہے وہ ایسے کوئی ناممکنات میں سے نہیں لگے گی, مگر اس دور میں جب ایک پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں اور آپ کی ذات پاک جب اس مکہ کی سرزمین پر آپ کا ورود مسعود ہوتا ہے تو اس ٹائم سے پہلے کے جو حالات تھے خواتین کے لیے وہ اس قدر مشکل تر حالات تھے کہ خواتین کی جو عزت اور ناموس اور اس کی عفت اور پاکیزگی اور طہارت اس کا قطعاً کوئی خیال اور لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب کبھی کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اتنے گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ چشم کشا ہو کر اپنی آنکھوں کو پھیرتے ہوئے باہر نکلتے تھے. وجہ کیا تھی کہ اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم, کہ باہر سے آنے والا کوئی اس کو آ کر کہہ دیتا کہ اللہ کی ذات نے تمہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا, یہ بات سنتے ہی اس کا چہرہ غم اور پریشانی کے حالت میں سیاہ ہو جاتا تھا. یہ قرآن کریم ان لوگوں کے اس دور کے لوگوں کی سائیکالوجی کو بیان کر. مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً.
रहा है कि किस तरह एक औरत माँ के रूप में या बेटी के रूप में अल्लाह की जिसको इस्लाम ने जिसको आकर रहमत करार दिया कि उसको बोझ समझने की बजाय जो बेटी जिस घर में आ जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन इब्तलाहुन्ना फी बनातिन फअहसना इलैहुन्ना कुन्ना लहू सित्रा मिनन नार। एक जाहिली मुआशरे में ये था कि लोग चेहरा भी छुपा कर निकलते थे कि बेटी की खबर किसी दूसरे के ना हो, मेरे लिए जिल्लत और रुसवाई होगी। और ऑन द अदर हैंड जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया जिस किसी भी शख्स को अल्लाह ताला की ज़ात तीन बेटियों की नेमत से नवाजे और उन बेटियों की वो तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उनको हुस्ने सलीका हुस्ने आदाब सिखाए, यही वो बेटियां यौम कयामत को उसके लिए जहन्नम से डाल बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। इधर आते हैं आले इमरान की तरफ, क्योंकि ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं और मेज़बानी भी कर चुके हैं, तो आप बताइए आपने अपनी शायरी में कुछ औरतों के हकूक के सिलसिले में कुछ कुछ कहा? जी इस तरह के क्योंकि आज काम क्योंकि इस्लाम और ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हुर्मत जो मिली वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बहुत सारी हमें जो नेमतें और इनामात मिली जी जी। और इसी तरह तकद्दस जो है वो मिला। और हम जब देखते हैं कि तारीख़ इस्लाम में तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने सरकार दो आलम की परवरिश की बड़े अच्छे अंदाज से, और फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की शक्ल में एक ऐसी एक हस्ती का माया कि जब इस्लाम की हम बात करते हैं तो ख़वातीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों में। तो एज़ अ शायर एज़ अ लिखारी जो है क्योंकि शायर ने हमेशा फ़िक्री सिलसिलों में अपना किरदार अदा किया है, तो मेरा नात के हवाले से काम है क्योंकि मेरी नात की तारीख पे मैंने काम किया है। मेरी किताब जो अच्छा, है वो, अच्छा, वही अच्छा। रोशनी है जहान की, उसमें मैंने तारीख़ अरब से ले कर फ़ारसी और उर्दू और शायरी जो है तो उसमें ख़वातीन की जो शायरी हज़रत फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह की जो शायरी है उसको भी शामिल किया गया। खुद भी नात पढ़ते हैं? जी मैं लिखता हूँ, मैंने किताब है ना वो जी। अच्छा। तो आपको चंद शेर जो है वो सुना देता हूँ। जी जी ज़रूर। मोहतरम खल्क मोहम्मद के करीने से हुई, आदमियत की शुरुआत मदीने से हुई। आपके कदमों में सर रखा तो रुतबा पाया, सर बुलंदी जो हुई वो इसी जीने से हुई। और क्या से क्या गोहरे खुश रंग जमाने को मिला, परवरिश दहर की याका के खजीने से हुई। और आले इमरान जुबां गुंग थी पहले पहले, ये रवां जामे विला आपका पीने से हुई। और आले इमरान सरे बहरे मासी सबकी, पार लगने की सबील आल सफीने से हुई। मोहतरम खल्क मोहम्मद के करीने से हुई, आदमियत की शुरुआत मदीने से। सुभान अल्लाह। जी औरतों के हकूक के लिए क्योंकि आप सियासत से ताल्लुक रखते हैं तो हमें उसी तरह सवाल करेंगे, आप क्या समझते हैं कि पहले औरतों के हकूक जो थे अब ज्यादा मतलब हैं? आपकी पार्टी क्या कुछ जैसे आले इमरान साहब बात कर रहे थे कि जी आदमियत जो है वो मदीने से मिली जी, तो हमारे जो स्कॉलर हजरात ने भी बात की कि जब मदीना की रियासत की हम बात करते हैं और इस्लाम के अर्ली डेज की बात करते हैं तो जो ख़वातीन के हकूक की जो आप कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने किया उस वक्त की तारीख उठा के देख लें जी। उस वक्त औरतों के क्या हकूक थे और इस्लाम ने जो एक निज़ाम दिया औरतों का जो एहतराम दिया वो आज तक जब दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, आपकी मईशत आपकी मुआशरत बदल गई है, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो जो उन्होंने निज़ाम दिया वो जो रिश्तों का एहतराम दिया जो इस्लाम ने दिया ख़वातीन के लिए वो आज भी मेरा ख्याल है जो दुनियावी जो मुआशरे हैं उनमें उसका एक मुमताज मकाम है। आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आई है औरतों की? हाँ जी नहीं मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अगर इस्लाम की हम जो तालीमात पे बात करें तो वो एक यानी अटर्नल उसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन है। आपने बात की कि सियासत में और तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक नया तजुर्बा था रवायती सियासत से हट के, और हम लोग भी प्रोफेशनल थे। आई वाज़ अ प्रोफेसर, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ इस्लामाबाद, मेरे अपने कॉलेजेस भी हैं लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, मैं ए लेवल्स का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। तो हम लोग भी उस वक्त यानी जब ये तहरीक इंसाफ का तजर्बा हो रहा था तो मैं अर्ली डेज़ का वो हूँ, और हम उस वक्त एक नया एक पाकिस्तान में एक नया सियासी कल्चर देने पे इमरान खान साहब बात कर रहे थे। उसमें हमने शुरू दिन से हमारे पास प्रोफेशनल पढ़े लिखे घरों की खवातीन जो मतलब टीचर्स थी, बैंकर्स थी या दूसरे प्रोफेशन में थी, उनको हम लेकर आए, और हमने जो नॉन पोलिटिकल फैमिली से जी उनको हमने वो मतलब वहाँ पे साथ लेके चले, यानी उनको एक माहौल दिया
तो आपने देखा कि अब तहरीके इंसाफ शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके इवन पब्लिक गैदरिंग में भी आधी से ज्यादा खवातीन नजर आती हैं। अच्छा, नजर आपकी आती बात को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक और ब्रेक पे चलेंगे और फिर बाकी जो बातें होंगी वो दस्तरखान पे होगी, सहरी के दस्तर वक्त भी करीब है खान पे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए सादते रमजान।